गाना सिखा दिया तो रटा दिया ना, वो तो थोप दिया मैंने कि ये गाना ऐसे ही होएगा, फिर आपको याद हो गया, फिर कल को दूसरा गाना होगा, फिर मेरे पास आओगे कि सर पांच गाने तो हो गए, आगे के पांच को अब सिखा रहे हो आप, है ना। तो ऐसे पांच पांच करके मैं कब तक सिखाता रहूंगा, करोड़ों अरबों खरबों गाने हैं, हर रोज एक नया गीत बन उठता है, तो कितने सीखोगे और कितने मुझे आते हैं तो कितने मैं आपको सिखा पाऊंगा। भाई लता जी का कोई गाना सीखना है तो वो लता जी से बेहतर थोड़ी सिखा सकता हूँ मैं, सिखा पाऊंगा क्या। तो लता जी का ओरिजिनल रिकॉर्ड है, उसे सुनो ना, उनसे सीखो, ओरिजिनल वाला सीखो। मैं तो अगर सिखाता भी हूँ तो कुछ ना कुछ इसमें तब्दीली हो जाएगी, क्योंकि मैं कलाकार हूँ तो मैं अपना कोई टच उसमें दे ही बैठूंगा। तो ये मेरे पिताजी ने हमें बचपन से यही चीज़ समझाई है कि अगर कोई गीत सीखना है तो जिसने गाया है उसी से सीखो सीधा जाके, मुझसे नहीं। मुझसे तो व्याकरण सीखो ताकि उससे सीखने में आसानी हो, है ना, उस पर्सन से उसका गाना सीखने में तुम्हें आसानी हो, है कि नहीं। तो वो चीज़ है। बात करनी हो तो क्या बेखुदी लाऊं, बात करनी हो तो क्या बेखुदी लाऊं, खुद से मिलने को मैं कैसे खुदी लाऊं। एक एक करके मुझे 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16 ये जो सात छंद हैं ये सुना दीजिए मुझे एक करके, है ना। और सबसे पहले ऐसा कीजिए, खाली टैप पे भी सुनाएंगे तब भी चलेगा, सिर्फ ताली पे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 उतार चढ़ाव जैसा मैंने बोला, कोशिश कीजिएगा एक बार वैसा ही लाने का। देखिए एक बार इन सारे छंदों पे मैं बार बार इसलिए बात करूंगा क्योंकि ये बाद में बदलते भी हैं, है ना, बदल के इनमें उलट फेर होके दोबारा इसमें भी आया जाता है, इसीलिए इनसे इतनी फैमिलियरिटी हो जाए कि ये कितना भी बदल जाए, है ना। भाई मैं आज इन कपड़ों में हूँ, कल को मैं दूसरे कपड़ों में होऊंगा, फिर मैं किसी और कपड़े में हो सकता हूँ, तो ये तो मैंने वेशभूषा बदली है, कपड़े बदले हैं, फिर मैं रूप भी बदल सकता हूँ, कल को मैं दाढ़ी उगा लूँ, दाढ़ी बढ़ा लूँ, मूंछें लगा लूँ, है ना, ये बाल छोटे कर दूँ या बाल बढ़ा लूँ, तो ये मेरा क्या हुआ, मैंने रूप बदला, लेकिन तब भी मैं ही रहूँगा, है ना। ये मैं कटा दूं तो मैं दोबारा भी ऐसे हो सकता हूं। तो इसी तरह से तालों के साथ भी होता है, ये बदलती भी हैं और दोबारा उन्हीं में भी आती हैं। तो दोबारा उनमें आने के लिए उन्हें पहचान में आना, उनका रूप भी बदल जाए तब भी उन्हें पहचान पाना, ये ज़रूरी है, है ना, क्योंकि कला है, कलाकारी और अय्यारी साथ में चलती है। अय्यारी मतलब रूप बदल देना, भेस बदल देना, है ना। उसी तरह से ताल के छंद बदलते हैं बीच बीच में, है ना। अब जैसे मैं तीन ताल, जैसे ये 12 मात्रा चल रही है, अब 12 मात्रा में चलते चलते मैं धिन धिन धागे त्रिकृतोन ना कत्ता धागे त्रिकृतिन ना धिन धिन धागे त्रिकृतोन ना कत्ता धागे त्रिकृतिन ना धिन धिन धागे त्रिकृतोन ना कत्ता धागे त्रिकृतिन ना धिन धिन धागे त्रिकृतोन ना कत्ता। मैं वजन बदल के चला गया था वहाँ पे, तीन तीन का वजन देने लग गया था और वापस इसी में आ गया, भले ही मैंने लय भी बदली और वापस इसी में आया, लेकिन पहचान में आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो लय बदल गई तो अब कैसे पहचाने उसे, है ना, कि तीन चीज़ चल रही है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वही 8 जा रही थी तो मैंने चतुस्त्र में बोली, फिर मैंने 8 को किस में बोला, तिस्त्र में बोल दिया, है ना। 8 को अगर मैं 3 के वजन में बोलने लग जाऊं तो क्या होगा उसके साथ, करके देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 3 बार में जाके वो इक्वल समाएगा, है ना, जो एक पे हमें वजन चाहिए वो तीसरी बार में जाके आएगा। 8 को अपने को 3 बार बोलना पड़ेगा तब जाके आएगा, क्योंकि 8 3 = 24 होता है और 24 3 से डिविजिबल होता है, है ना। तो यहाँ थोड़ी सी गणित जो मैंने बताया था ना, आदत जिगर और हिसाब इसमें लगता है, इसीलिए मैं इसमें आपको थोड़ा और घुमाना चाहता हूँ अभी, है ना। लय छंद इसमें जितना अभी घूमोगे, जितना घोल लोगे अपने अंदर, आगे समस्या ही नहीं आएगी, आगे संगीत यूं दिखेगा चलता हुआ, है ना, ताल लय सामने नजर आएगी, दिखेगी, फिर दिक्कत नहीं आएगी। लोग इसी स्टेज पे यहाँ बोर होते हैं और कुछ नहीं। मैं अभी हाल ही में एक स्टूडेंट से बात कर रहा था कि ये वो चीज़ें हैं जो बेसिक चीज़ें हैं, ये इस स्टेज पे मैं अभी आपको बता रहा हूं। अभी हो सकता है इनकी इंपॉर्टेंस ना नजर आए, हो सकता है कि इनका मतलब ना नजर आए, यार ये क्यों कर रहे हैं हम, इसका असर कहाँ होगा, लेकिन जब वो चीज़ों पे आते हो ना, राग गीत इन सब पे आते हो, तब याद आती है कि यार वो सारी चीज़ें तो इसमें मिसिंग है, वही तो अभी हम कर नहीं पा रहे हैं, हमारी समस्या क्या है,
ये राग में ये या इस गीत में हमने ये लाइन गाई तो यार गलत गाई, तो गलत क्या था उसमें, उसमें लय की दिक्कत है, लय गलत हो रही है हमारी, लयकारी गलत हो रही है कि स्पीड वेरिएशन गलत हो रहा है, कहाँ रुकना कहाँ नहीं रुकना वो गलत हो रहा है, हम टिक नहीं पा रहे हैं क्योंकि तबला अलग जा रहा है और गाना अलग चल रहा है, तबले की लय और हमारी लय अलग अलग है, ये जो विरोधाभास है ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है ये हम सह नहीं पा रहे हैं, तो ये कहाँ दिक्कत थी, ये वही दिक्कत थी भाई। बच्चे को सबसे पहले लेटर फॉर्मेशन सिखाया जाता है कि ए ऐसे बनाओ, बी ऐसे बनाओ, कर्सिव लिखना है तो ऐसे, कैपिटल लिखना है तो ऐसे, स्मॉल लिखना है तो ऐसे, बड़े लिखने तो ऐसे, लेकिन बड़े हम क्या करते हैं उस समय तो उस पर ध्यान होता नहीं हमारा, ना ध्यान जाता है ना टीचर जितना ज़्यादा जोर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं फिर हमारी राइटिंग किसी को ना हमको समझ आ रही होती ना सामने वाले को समझ आ रही होती है, कहते हैं हमने जवाब तो सारे सही लिखे थे लेकिन तब भी मार्क्स पूरे नहीं मिले, क्यों नहीं मिले, क्योंकि कचरा है, कोई स्ट्रक्चर ही नहीं दिख रहा था तुम्हारे जवाब में, तो कैसे मार्क्स दूं मैं, कि मुझे समझ आने के लिए वर्ड्स तो समझ आने चाहिए, मैं पढ़ तो पाऊँ, है ना, डिसलेक्सिया हो रखा है तुम्हें तो, कि बी का पी बना रहे हो तुम तो, बी का डी, बी का डी बन रहा है और वो क्या पी का नाइन बन रहा है, वो उल्टा उल्टा पुल्टा हो रहा है सारा, है ना, तो वो ना हो जाए इसीलिए बेसिक पर बहुत ज़्यादा गौर करना चाहिए। तो इसीलिए मैं, मेरे स्टूडेंट्स भले ही कितने ही परेशान रहें, चीज जाएं कि यार और कब तक हमें यही चीज़ करनी है, मैं मानता नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तुम्हें आगे चल के ये समस्या आएगी और फिर तुम मेरे माथे पड़ोगे कि अब तो हो ही नहीं रहा, और फिर मैं तुम्हें बोलूँगा कि यार वही समस्या आती, तो अभी ही मैं क्यों ना ध्यान दे दूँ इस चीज़ पर, और क्यों ना मैं इस चीज़ पर जोर देकर ज़बरदस्ती से कराऊँ कि भले ही आप बोर हो रहे हैं इसमें, करिए इसको अभी, करते रहिए, क्योंकि मैं इतनी बार कराऊंगा कि आत्मसात हो जाएगा, अंदर उतर जाएगा, फिर आगे जाके यू विल थैंक मी लेटर कि यार बढ़िया किया आपने ये जो उस समय इतना ध्यान दिया, है ना। मेरे जो भी स्टूडेंट जिसने भी इस पर ध्यान दे के मुझसे सीखा है ना, वो बाद में आके मेरा शुक्रगुजार ही होते हैं, वो मेरे को शुक्रिया ही करते हैं कि यार आपने उस समय इतना ध्यान दे दिया, हम तो बोर हुआ करते थे लेकिन अब भला हो रहा है हमारा, अपने आप समझ आ रहा है। भाई वो टीचर बहुत बुरा लगता है शुरुआत में जो ग्रामर पर बहुत ध्यान देता है, है ना। मेरे पिताजी को भी वो टीचर अपने स्कूल टाइम के बड़े बुरे लगते थे, यार क्या संस्कृत में इतनी सारी चीज़ें, संस्कृत क्योंकि उन्होंने उनका सब्जेक्ट रहा है पोस्ट ग्रेजुएशन तक, है ना, तो बड़े बोर होते थे बचपन के, यार ये क्या है ये सब, इसके सारे नियम कायदे ये सीखने को मिल रहे हैं, आगे चैप्टर बताओ ना, स्टोरी क्या चल रही है वो बताओ, है ना। तो वो नहीं पढ़ाते थे वो, उनके टीचर वो खाली ग्रामर 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 ही कराते रहते थे, शब्द रूप धातु रूप यही याद करते रहो बैठ के, है ना, कि वाक्य बनेगा कैसे वही याद करते रहो, ग्रामर टेंस काल वाक्य निर्माण वही सब याद करते रहो, इसमें छंद ही याद करते रहो। उसका असर ऐसा हुआ कि कुछ समय बाद उन्हें किसी टीचर की ही ज़रूरत नहीं पड़ी, वो खुद ब खुद किताब सॉल्व कर रहे हैं, और उन्होंने भी यही अपनाया अपने स्टूडेंट्स पर अप्लाई करके, और उनके बच्चों में यही एक काबिलियत पैदा हो गई कि उनको बताने की ज़रूरत नहीं, फिर उनके सामने बस बुक रख दी, वो ट्रांसलेशन सुना रहे हैं पूरा का पूरा, संस्कृत से हिंदी अनुवाद कर बैठे, ये चीज़ सिखाई नहीं तब भी कर बैठे। हमारे साथ यही हुआ, हमें ग्रामर सिखा दिया गया, फिर हमें गीत सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमें बस बोला कि ये गाओ, गा उठे, खुद ब खुद गा उठे। मैं गाना सिखाऊंगा नहीं पर गाना गा उठोगे आप, इस काबिल आपको बनाऊंगा मैं, है ना। ये हमारी परंपरा है, यही इसी परंपरा से हम सीखे हैं, गाना सिखा दिया तो रटा दिया ना, वो तो थोप दिया मैंने कि ये गाना ऐसे ही होएगा, फिर आपको याद हो गया, फिर कल को दूसरा गाना होगा फिर मेरे पास आओगे कि सर पांच गाने तो हो गए, आगे के पांच को अब सिखा रहे हो आप, है ना। तो ऐसे पांच पांच करके मैं कब तक सिखाता रहूंगा, करोड़ों अरबों खरबों गाने हैं, हर रोज एक नया गीत बन उठता है, तो कितने सीखोगे, और कितने मुझे आते हैं तो कितने मैं आपको सिखा पाऊंगा। भाई लता जी का कोई गाना सीखना है तो वो लता जी से बेहतर थोड़ी सिखा सकता हूँ मैं, सिखा पाऊंगा क्या। तो लता जी का ओरिजिनल रिकॉर्ड है, उसे सुनो ना, उनसे सीखो, ओरिजिनल वाला सीखो। मैं तो अगर सिखाता भी हूँ तो कुछ ना कुछ इसमें तब्दीली हो जाएगी, क्योंकि मैं कलाकार हूँ तो मैं अपना कोई टच उसमें दे ही बैठूंगा। तो ये मेरे पिताजी ने हमें बचपन से यही चीज़ समझाई है कि अगर कोई गीत सीखना है तो जिसने गाया है उसी से सीखो सीधा जाके, मुझसे नहीं। मुझसे तो व्याकरण सीखो ताकि उससे सीखने में आसानी हो, है ना, उस पर्सन से उसका गाना सीखने में तुम्हें आसानी हो, है कि नहीं, तो वो चीज़ है।